You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. अब सुनिए जरा, कभी कभी ये इश्क जो है ये इंसान को कमजोर कर देता है। कभी कभी इश्क इंसान को कमजोर कर देता है। ये जो दुनिया के ये इश्क है ना, ये फजूल हैं सारे। कोई दावा भी करता है ना, ये सारे फजूल हैं। किसी के साथ है, किसी के पीर के साथ, उस्ताद के साथ है, ये सब फजूल है जी। हजरत, इश्क जो है कभी कभी इंसान को कमजोर कर देता है, ये उलट बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, ये इब्ने असीर ने उसदुल गाबा फी मारिफत सहाबा किताब है, इसमें ये रिवायत नकल की है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक गुलाम की तीमारदारी के लिए तशरीफ फरमा हुए, आखिरी वक्त चल रहा था। हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलामों, जब मेरे सहाबी का इंतकाल हो जाए मुझे खबर देना, जब भी हो मैं आकर जनाजा पढ़ा दूंगा। देखे, चार तकबीरात कोई आम पीर मौलवी पढ़ा दे तो इंसान बताता है कि मेरे अब्बा जी अम्मा जी का जनाजा फुला ने पढ़ाया है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब मेरा ये गुलाम दुनिया से चला जाए खबर देना, मैं खुद आकर जनाजा पढ़ाऊंगा। ये इसका एक अनोखा वाकया था। इंतकाल से पहले वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी वसीयत लिख रहा है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे आका को ना बुलाना। हुजूर ने क्या फरमाया, मैं आऊंगा। सहाबी कहते हैं, मेरे आका को ना बुलाना। ऐ सहाबी, आपके इश्क का आलम तो यह है कि हुजूर तकबीर फरमा दें, कह दें तो बख्शिश तो डायरेक्ट है, तो आप ये कह रहे हैं कि हुजूर को ना, कहने लगे रस्ते में यहूदियों के घर आते हैं और मेरा विसाल, सहाबी रसूल तो उन्हें पता था, उन्हें कहा मेरा विसाल भी होना है रात के वक्त, रात के वक्त मेरे आका को तकलीफ दोगे, यहूदियों के घरों के बाहर से निकलेंगे, कोई यहूदी मेरे आका पर हमला कर सकता है, खबरदार मेरे आका को तकलीफ ना देना, मुझे दफन कर देना ताकि मेरे आका को तकलीफ ना हो। दुनिया से चले गए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने खबर ना दी और दफना दिया। दफनाया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई, आप तशरीफ फरमा हुए तो आपने फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, मालिक मेरा गुलाम मेरे इश्क में मुब्तला था, मेरी वजह से इसने यह अमल किया है, मालिक मैं तेरे आगे इल्तिजा करता हूं, मेरे इस गुलाम को जन्नत में आला मकाम अता फरमा देना। और आज का तो मुसलमान क्या कहता है, लाश मेरी नू ना दफनाना जब तक पीर ना आवे, है ना, कहता है ना, जब तक पीर ना आवे लाश में, पीर और अंकल पावे पेट्रोल ही ना होवे लेकिन लाश मेरी नू ना दफनाना जब तक पीर ना आवे। लोगों, मुरीद इसका नाम है जो अपने मुर्शिद को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। वो कहता है मेरे आका को, मेरे पीर को तकलीफ ना देना, मुझे ऐसे ही दफन कर देना। इसलिए मैं कह रहा हूं ये झूठे इसके जो दुनिया में दावे किए जाते हैं, सच्चा इश्क या खुदा से है या खुदा के रसूल मोहम्मद मुस्तफा से है।